मुझे पता है कि आप लोगों को यह विश्वास नहीं होगा कि आपको एक ऐसी अलौकिक शक्ति मिल सकती है जिसकी मदद से आप सिर्फ टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी या टेलीपोर्टेशन ही नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहो तो इस पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकते हो और अपनी मन मर्जी एक नया ब्रह्मांड बना सकते हो। आप चाहो तो समय को आगे पीछे कर सकते हो, फ्यूचर में जो होने वाला है उसे बदल सकते हो, दिन में रात कर सकते हो और रात में दिन कर सकते हो, भूत प्रेत आत्माओं को अपने वश में कर सकते हो। इस अल्टीमेट सुपर पावर को कहते हैं ओमनीकिनेसिस। जब आपको ओमनीकिनेसिस की पावर मिल जाएगी तब आप इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे। आपको हजारों तरह की सुपर पावर्स मिल जाएंगी। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होगी जो आपको हरा सके। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भी अनाप शनाप बक रहा हूं, इतना पावरफुल होना मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे भाई, ओमनीकिनेसिस की पावर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ओमनीकिनेसिस की पावर को अचीव करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। इस दुनिया में गिने चुने दो या तीन ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये पावर है, बट वो लोग अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं और इतने पावरफुल होने के बावजूद कभी भी अपने पावर्स का मिसयूज नहीं करते, लोगों को चोट नहीं पहुंचाते। कुछ लोग कहेंगे कि अगर मुझे इतना ही पता है तो मैं खुद क्यों नहीं इस पावर को अचीव कर लेता। तो ब्रो, प्लीज ऐसे बेवकूफों जैसे सवाल मत करो। देखो, जितने भी साइकिक एबिलिटीज हैं वो इंसानों को कौन देता है? ये नेचर, ये प्रकृति मेरे दोस्त। इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग होंगे जो ओमनीकिनेसिस की पावर पाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये प्रकृति सबको तो ये पावर नहीं दे सकती ना। जो इस पावर को पाने का असली हकदार होगा, जो इस सुपर पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के काबिल होगा, ये नेचर सिर्फ और सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा। ओमनीकिनेसिस की पावर पाने का जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे फॉलो करके हो सकता है आपको वो पावर मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है यार। मैं भी करोड़ों लोगों में से आप ही वो इंसान हैं जिस इंसान की इस नेचर को तलाश है। सो गेट रेडी टू बी एन ओमनीकिनेटिक पर्सन, फॉलो द प्रोसेस आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब हियर। तो सबसे पहला स्टेप तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो स्टेप है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन कैसे करना है वो तो आप जानते ही हो, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच कर मेडिटेशन करने बैठ रहे हो कि मैं मेडिटेशन करूँगा तो मुझे ये पावर मिलेगा, मुझे वो पावर मिलेगा, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कोई भी सुपर पावर मिलेगा ही नहीं। आप जब मेडिटेशन करने बैठो उससे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आज मैं जब मेडिटेशन करने बैठूंगा तो मैं अनंत काल तक मेडिटेशन करता रहूंगा, मैं अब अपनी आंखें खोलूंगा ही नहीं चाहे जो भी हो जाए। इस तरह की मेंटेलिटी लेकर आपको मेडिटेशन करने बैठना है। लेकिन हाँ, मेडिटेशन करते वक्त ऐसा कोई भी थॉट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक रहना चाहिए। इसके अलावा ओमनीकिनेसिस की पावर को पाने के लिए आपको अपने शरीर के सातों चक्रास को एक्टिवेट करना होगा, आपको अपने सिक्स्थ सेंस यानी कि थर्ड आई को ओपन करना होगा, दूसरे इंसानों की ऑरा यानी कि उनके शरीर के एनर्जी को देखना और महसूस करना सीखना होगा। आपके शरीर में दो तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो आपको अपने शरीर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ानी है और नेगेटिव एनर्जी को घटाना है। और लास्ट चीज़ जो आपको सीखनी होगी वो है लगातार किसी एक चीज़ के ऊपर घंटों तक कॉन्सेंट्रेट करना। देखिए, सिर्फ एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें कैसे करना है ये सिखाना मेरे लिए नामुमकिन है, इसलिए मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में कवर करूँगा। तो अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्रीक्वेंटली लाता भी रहता हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि क्या आप अभी मेडिटेशन करते हो, और अगर करते हो तो किस वक्त करते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी बताना कमेंट में, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।